ठीक है, हम यहाँ इस समय कनाडा में है भाई। इसको बोलते छोड़ा, छोड़ा ये जो है ये आम है, छोड़ा छोड़ा का आम, छोड़ा मतलब होता है, छोड़ा का मतलब होता है, इसका नाम छोड़ा इसलिए पड़ा कि छोड़ा मतलब जो पानी ऊपर से गिरता है, जिसे हम झरना कहते हैं हिंदी में झरना बोलते हैं ना, ऊपर से झरना गिरने को ही हम छोड़ा कहते हैं। छोड़ा मतलब जो पानी ऊपर से गिरता है वो छोड़ा बोलते हैं। ऊपर जो यहाँ कोने पे है, यहाँ पे ना वो देख रहे हैं आप ऊपर जहाँ पे ये आम के ऊपर, तो वहाँ से पानी जब बरसात होती है तो वहाँ से पानी यहाँ छोड़ा बन के गिरता है इस आम के पीछे। तो जब वो छोड़ा बनता है तो उसके लिए छोड़ा का आम बोला गया है। ये आम बहुत मीठा है। जैसे इस समय आम का सीजन है ना, इस समय के आम की फसल यहाँ गाँव में तो अच्छी नहीं है, देख रहे होंगे बिल्कुल आप साफ और क्लीन है, नई पत्तियाँ आ रखी है ना इसमें, इसको छोड़ा का आम बोलते हैं। तो छोड़ा का आम, और ये बहुत मीठा होता है। जब हम लोग छोटे थे तो हम स्कूल वगैरह जाते थे ना, उसके बाद हम यहाँ आते थे, ये आम बहुत इतना मीठा है ना। तो आज देखो ये जंगल, उस समय इतनी आग नहीं लगती थी जंगलों में, क्योंकि लोग खेती बाड़ी और लकड़ियाँ काटते थे, गाय चराते थे, तो घास में से ख़त्म हो जाए रहती थी, तो आग को पकड़ में, आग की पकड़ में नहीं आती थी। मगर अब क्या है, जब से गैस सिलेंडर बने ना, गैस सिलेंडर घर घर में आने लगे, लोग जंगल जाना बंद कर दिया, गाय बकरी रखना बंद कर दिया, तो लकड़ी तो जब मनुष्य ने जो है, जब लोगों ने ये लकड़ियां काटनी बंद कर दी, घास निकालना बंद कर दिया, तो तब क्या है, प्रकृति अपने हिसाब से क्या करती है, इस जंगल को साफ सफाई करती है, मतलब आग के द्वारा साफ सफाई करती है। आग लगती है तो देखो इस समय वीरान सब चीज़ें नष्ट हो चुकी है ना। अब पहले इतनी आग नहीं लगती, अब घर घर में ही आग लग रही है, घर के जो है पहले इतनी आग नहीं लगती थी, यहाँ इतनी आग नहीं लगती थी। ये पेड़ बहुत अच्छे रहते थे, ये जो जंगल है देखो कितना अच्छा आम है, इस समय बहुत सुंदर लग रहा है। तो छोड़ा का मतलब समझ गए होंगे आप, झरना झरना बोलते होते, ठीक है ओके ठीक है।